एलए कॉलेज ऑफ कॉमर्स का सालाना कॉन्वोकेशन फ्लैटीज में हुआ। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएशन का दिन, जमाना तालिबे इल्मी का यादगार तरीन दिन। फ्लैटीज होटल में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सालाना कॉन्वोकेशन 2018 का इनकाद हुआ। मेहमान खसूसी चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर हसन मुबीन समेत असातजा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन के दौरान 487 तलबा को असनाद और 35 से जायद तलबा को मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर निजामुद्दीन ने तलबा को नसीहत की कि तालीम और महारत की बुनियाद पर ही अमली जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। Analytical skill that you have learned to analyze every new situation and contribute to your role is very important for the business houses are looking for people who have innovative ideas, who have creative ideas, who have analytical skills. कामयाब तलबा और तालिबात भी मुल्क और कौम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार नजर आए। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया जाएगा और जो कुछ सीखा जो टीचर्स की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, उसको प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। ये बिगेस्ट अचीवमेंट है हमारी लाइफ की। यही दिन होता है जो जिसका हम स्टूडेंट्स जो है वो वेट करते हैं कि एक फाइनल अचीवमेंट का डे आएगा। आज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे हैं, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हम लोग इसमें कामयाब हो जाए। कॉन्वोकेशन के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर निजामुद्दीन को एजाजी शील से नवाजा गया। कैमरामैन शान बशीर के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़।